हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे मुल्तानी मोठ चावल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इस चाइल से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। एक बार आप बना लेंगे तो इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। रेसिपी बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम मोठ को 10 से 12 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 12 घंटे मोठ को मैंने भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए कुकर में हम मोठ डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी मोठ से लगभग 1 इंच ऊपर हो, इतना पानी हमने डालना है। स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर हम इसे बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर दें। एक विसल आने के बाद 10 से 12 मिनट इसे लो फ्लेम पर रखें। इसके बाद गैस को बंद कर दें। ये देखिए मोठ हमारे बिल्कुल रेडी हैं। हमें इसी प्रकार खड़े खड़े मोठ चाहिए, बिल्कुल मोठ को हमने मैच नहीं करना है। अब हम राइस को बॉईल कर लेंगे। बॉईल्ड राइस की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेट में गरम गरम बॉईल्ड राइस रखें और गरम गरम मोठ डालें। आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो फैन ही हो जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से अब हम प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, स्वादानुसार काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। इसका टेस्ट मुल्तानी मोठ चावल में बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा सा नींबू का रस डालें। ये मैंने 1 नींबू के रस का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने टेस्टी हमारे मोठ चावल रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।